नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल सार पैक्स वाई जेड में। गाइस, आज हम आए हुए हैं माता रानी चंद्रिका मैया के मंदिर में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका इतिहास बहुत पुराना है। सो गाइस, क्या है कि महोबा एक हिस्ट्रिकल प्लेस है और बहुत सारा यहाँ पे इतिहास की बातें जुड़ी हुई हैं इससे। अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की, तो उनसे भी युद्ध हुआ है यहाँ पे। और ये एक तरीके से उरई तक, उरई में जो माहिल मामा थे, या फिर यहाँ पे आपका कजरी बंद अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें मैहर की माता, तो ये गाइस यहाँ से पूरा कनेक्ट है एक अगर हम बात करें हिस्ट्री वाइज। सो आज यहाँ पे माता रानी चंद्रिका जो हैं, जो महोबा में विख्यात हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि एक शक्ति पीठ होती ना उस रूप में आती हैं, तो यहाँ पे आला उदल गाइस तब से ही इनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं जब से वो थे। करीबन आज से सालों साल पुरानी हैं। और माता रानी को इतना मानते थे कि अगर उनके साथ कोई युद्ध हो रहा है, अगर वो हारने वाले हैं जीतने वाले हैं, तो माता रानी खास उन्हें सपने में आके सारा सब कुछ बता के जाती थी। तो आज गाइस हम उनके दर्शन करने वाले हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं, माता रानी जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए ना, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। माता रानी जी का ये जो मंदिर है, सन 831 में बनवाया गया था। वहाँ के राजा चंद्र वर्मन ने खजुराहो में एक महायज्ञ करवाया था। उस समय 18 फुटी माता रानी जी की स्थापना की गई थी। और माता रानी जी की ये जो मूर्ति है, उनके सामने एक पिलर भी है जहाँ पे दीपक जलाया जाता है। बताया जाता है कि उस दीपक को हिलाने पे एक पहले कंपन भी आता था, बट इस समय नहीं, पहले आता था। और 9वीं शताब्दी में ये मंदिर है जो कि कंप्लीट हुआ था। तो गाइस, इस समय हम माता रानी जी का जो मेन गेट है उसके सामने पहुंच चुके हैं। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड सीधा छतरपुर के लिए जाता है और पीछे से जो आ रहा है वो आपका बांदा से आता है। और इस मेन गेट से करीबन आधा किलोमीटर आप अंदर चलेंगे तब आपको मेन मंदिर आएगा। अभी हमें चलते हुए करीबन 10 से 15 मिनट हो गए और हम बिल्कुल सेंटर में पहुँच गए। सामने आप देख रहे हैं वहाँ माता रानी जी का मंदिर है, और पीछे देखिए आप जहाँ से हमने चलना शुरू किया था मेन गेट से। इस समय बहुत शांति है क्योंकि जब नवरात्र होते हैं तब यहाँ मेन जो रोड है वहाँ से ही मेला लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पर माता रानी जी का कुछ प्रसाद ले सकते हैं आप। सामने माता रानी जी का मंदिर है आप देख सकते हैं। और इस समय दोपहर हो रही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मंदिर के अंदर हम बाद में चलेंगे। पहले मंदिर के जो पीछे का घूमने का जो एरिया है हम आपको वो दिखाने वाले हैं, फिर माता रानी जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, एक बार आपको पीछे का नज़ारा भी दिखाते हैं मंदिर का। ये देखिए आप, ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है और सामने एक बहुत बड़ा कुंड है। बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी भर जाता है और लोग यहीं पे स्नान करके माता रानी जी के दर्शन करते हैं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने आना चाहते हैं, अगर दिल्ली से आ रहे हैं, तो वहाँ से यूपी संपर्क क्रांति, महाकौशल, दो एक ऐसी ट्रेन है जो कि डायरेक्ट चलती हैं, जो कि आगरा, ग्वालियर, झांसी होते हुए आप महोबा पहुंच सकते हैं। अदरवाइज झांसी तक बहुत सारी ट्रेन है, वहां से आप बस भी ले सकते हैं। तो बस करीबन जो बस स्टैंड है अपना, वहां से 2 किलोमीटर के आसपास है। और रेलवे स्टेशन है जो कि 7 किलोमीटर है माता रानी जी के मंदिर से। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी शांति है। और जब नवरात्रि का टाइम होता है तब यहाँ चारों तरफ मेला लगा हुआ होता है, लोग आ रहे होते हैं घूमने। ये देखिए सामने जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है जो कि माता रानी जी के जस्ट पीछे है। बहुत बड़ी मूर्ति है, तो चलिए पहले भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी मूर्ति है शंकर जी की। और ये अपना जो मंदिर है माता रानी चंद्रिका के जस्ट पीछे विराजमान है भोलेनाथ जी का। ये देखिए,
पंडित जी राम राम। सो जो ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये माता रानी चंद्रिका के टाइम का ही है जब उनकी स्थापना हुई थी। जहाँ पे माता रानी जी की स्थापना हुई है वहाँ से कुछ दूर पे ही है, मतलब पीछे ही है जस्ट ये शंकर जी का मंदिर। और उस समय ये मंदिर बिल्कुल ओपन था, कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे प्रशासन की तरफ से इसको कवर कर दिया गया है, थोड़ा पेंट वेंट करवा दिया गया है। क्या है, ध्यान रखने की भी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज जो अपनी पुरानी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भोलेनाथ जी के भी दर्शन करने यहाँ पे आ सकते हैं। तो गैस भोलेनाथ जी के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं माता रानी जी के भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो एक बाबा रहते हैं जो कि भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, उन्होंने गाय पाली हुई है और ख़ासकर देसी गाय जो कि अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। सो ये है माता रानी जी के मंदिर का बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। ये है मेन गेट जहाँ से आप अंदर जाएंगे माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। अगर हम थोड़ा सामने भी दिखाएं, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि जब नवरात्रि का मेला लगा होता है तो पूरा फुल होता है। ये पीछे से हनुमान जी का मंदिर है। सो ये यहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस से पहले जस्ट राइट साइड पे हनुमान जी का ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे लोग आते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, उसी समय की है, बट इस समय अब सब कुछ कवर कर दिया गया है, चारों तरफ से मंदिर बना दिया गया है। सो अभी तक हमने मंदिर के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ घूम लिया, अब मंदिर के अंदर चलते हैं। पंडित जी राम राम। सो गाइस हम लोग अब मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ प्रशासन की तरफ से बनवाया गया, ज़्यादा पुराना नहीं है, बट यहाँ पे जो मेन मंदिर है माता रानी का वो बहुत पुराना है। 831 सन में बनवाया गया था, आप सोच सकते हैं कि इस समय 2023 चल रहा है, तो बहुत पुराना है। आप आसपास भी देखिए, ये सारा यहाँ पे माता रानी जी की स्थापना की गई है, जो अपनी नौ दुर्गा माता होती हैं सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी, सबके आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आप पूरा इनका मंदिर के अंदर का नज़ारा है ये सारा। अब यहाँ से हम आप चलते हैं माता रानी जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुंड वगैरह बनाया है, जिसको हमन करवाना होता है वो अपना यहाँ पे करवा सकते हैं। ये देखिए, साथ ही इस मंदिर में माता रानी जी के मंदिर के अलावा यहाँ पे शंकर जी की भी ये मूर्ति है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये भी उसी समय की मूर्ति है जब माता रानी जी की स्थापना की गई थी। ये लोग गाइस हम माता रानी जी के बिल्कुल जस्ट सामने पहुंच गए दर्शन करने के लिए। ये है दीप स्तंभ, जिसका हिस्ट्री में भी जिक्र है, और ये इतने ही हाइट पे है कि यहाँ पे आला उदल इसके ऊपर दीपक रखा करते थे। और बताया जाता है कि इस स्तंभ को हल्का सा अगर आप हिलाते हैं तो कंपन शुरू हो जाता था, बट अब नहीं है। और ये है माता रानी जी की मूर्ति, जो कि 18 फुट की है, और आप देख सकते हैं कि जो लेडीज वहाँ पर पूजा कर रही हैं उनकी हाइट के सामने माता रानी की मूर्ति कितनी बड़ी है, आप देखिए।
अब गाइस हमने माता रानी जी के दर्शन तो कर लिए, बट आपको इस समय आरती में ले चलते हैं माता रानी जी के, जो कि अभी हो रही है। आप देखिए, तो गाइस माता रानी जी के दर्शन तो हो गए। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस आप माता रानी जी के प्रणाम करके चलते हैं अपने घर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।